वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू द केमिस्ट्री क्लासेस। और आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है यूनिट नंबर 4 या एनसीईआरटी अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 4, केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इजी टॉपिक है, और बहुत ही क्या है ये इजी, पूरा का पूरा क्या है, सिंपल टॉपिक है, ठीक है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। लाइक फिजिक्स, फिजिक्स की तरह क्या है चलता है। अब देखो इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज हम पढ़ेंगे इसका इंट्रोडक्शन और रेट ऑफ द रिएक्शन, रेट ऑफ द रिएक्शन, ठीक है ना। अब हमें देख रहे हैं कि केमिकल काइनेटिक्स होता क्या है। तो केमिकल काइनेटिक्स का मतलब क्या है कि केमिस्ट्री की वो ब्रांच विच डील्स विद द स्टडी ऑफ रेट ऑफ द रिएक्शन एंड देयर मैकेनिज्म, एंड देयर मैकेनिज्म वाई विच दे आर अकरिंग, जिससे वो क्या हो रहे हैं, ठीक है ना। तो वो केमिस्ट्री की ब्रांच जिसमें हम जो है केमिकल रिएक्शन का जो रेट है वो निकालते हैं और उनका मैकेनिज्म वो किस तरह होते हैं। तो ये है आपका केमिकल काइनेटिक्स का डेफिनेशन, ठीक है ना। तो इसकी कोई खास जरूरत नहीं है, बट फिर भी अगर हमें स्टार्ट करना होता है तो क्या करते हैं, बाय डेफिनेशन दिस इज द केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स। अब हमें पता है कि जो हमारे पास रिएक्शंस होती है वो कैसी कैसी होती है। तो रिएक्शंस हमारे पास बहुत तरह की होती है। कोई रिएक्शन क्या होती है, बहुत फास्ट होती है, कोई क्या होती है, स्लो होती है, कोई स्पॉन्टेनियस है, कोई हमारे पास क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस। रिएक्शन जो हमारे पास बहुत सारी होती है, ठीक है। कोई क्या होती है, मल्टीपल स्टेप्स में होती है, कोई क्या होती है, सिंगल स्टेप्स में है, ठीक है। और कोई सी की जो रिएक्शन को टाइम लगता है, और कोई क्या होती है, स्टेनियस। तो रिएक्शन हमारे पास कितनी भी तरह की हो सकती है, ठीक है। तो अगर हम कह रहे हैं कि अगर रेट के बिहाव पर, किसके बिहाव पर, रेट के बिहाव पर, तो ऑन द बेसिस ऑफ, क्योंकि हमें क्या पढ़ना है, ऑन द बेसिस ऑफ रेट, रेट क्या है और रेट के बिहाव पर, ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। तो रिएक्शन के बिहाव पर जो हमारे पास फर्स्ट टाइप रिएक्शन है वो क्या हो सकती है, फास्ट रिएक्शन। फास्ट रिएक्शन मीन्स वो रिएक्शंस जो बहुत फास्ट होती हैं, जिनको प्रोपगेट होने में या उनको कंप्लीशन होने में क्या है, टाइम कम लगता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फास्ट रिएक्शन। क्या बोलते हैं हमारे पास, फास्ट रिएक्शन, ठीक है। तो सिंपल हम कह सकते हैं कि हमारे पास रेट ऑफ द रिएक्शन के बिहाव पर फास्ट रिएक्शन। अगर हमने क्या डाला, सोडियम को पानी में डाला, तो सोडियम को हम पानी में डालेंगे तो तुरंत क्या होती है, हीट के साथ क्या बनता है, NaOH बन जाएगा, और प्लस इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, तो हाइड्रोजन गैस भी क्या होती है, बनती है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है कि रिएक्शन क्या बहुत फास्ट हो जाती है, इसको प्रोपोगेट होने में क्या है, टाइम नहीं लगता, ठीक है। दूसरी हमारे पास क्या होती है, स्लो रिएक्शन। दूसरी क्या होती है, स्लो रिएक्शन, इनका मतलब क्या है कि जिनको प्रोपोगेट होने में, जिनको कंप्लीशन होने में क्या है, बहुत लंबा टाइम लगता है। जैसा आपको याद होगा रस्टिंग ऑफ द आयरन, रस्टिंग ऑफ द आयरन क्या है, एक इसी टाइप का एग्जांपल, रस्टिंग ऑफ द आयरन का एक स्लो रिएक्शन है, ठीक है। और दूसरा हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास और भी रिएक्शन है, वो क्या हो सकती है, स्लो हो सकती है, ठीक है। वेदरिंग ऑफ रॉक्स कह सकते हैं, या फर्मेंटेशन ऑफ, उसे कह सकते हैं फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन ऑफ सुगर, तो सुगर का फर्मेंटेशन होता है जिससे क्या होती है, एल्कोहल, जो इससे हम इसको यूज करते हैं वाइन्स बनाने में, लिक्विड्स बनाने में। तो ये क्या हमारे पास, स्लो रिएक्शन हो सकती है, ये क्या है, स्लो रिएक्शन होती है। ऐसी क्या होता है आपके पास, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर्स, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर्स, तो ये क्या है, थोड़ी मॉडरेट में आती है, मीन्स वो रिएक्शन जो थोड़ा फास्ट होती है, किनके कंपैरिजन में, स्लो के बिहाव में, बट इनको हम क्या बोलते हैं, मॉडरेट रिएक्शन, क्या बोलते हैं, मॉडरेट। बट अगर हम कह रहे हैं कि उनके रेस्पेक्ट में सारी की सारी क्या है, स्लो रिएक्शन है, ये सारी क्या है, स्लो रिएक्शन है, ठीक है ना। तो अब हमें देख रहे हैं कि ये तो आपके टाइप के बिहाव पर हो गया, अब हमें देख रहे हैं कि होता क्या है, तो रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होता है। तो रेट ऑफ द रिएक्शन की बात करेंगे तो हम समझ सकते हैं कि, तो देखो हम कह सकते हैं कि रेट, अगर हमें पता है कि फिजिक्स में हम क्या पढ़ते थे, रेट मतलब वेलोसिटी या स्पीड, तो लाइक स्पीड होता है, तो स्पीड क्या होता था हमारे पास, तो स्पीड क्या होता है, द चेंज इन पोजिशन, चेंज इन पोजिशन, या रेट ऑफ द चेंज ऑफ द डिस्टेंस। अगर हम कह रहे हैं कि डिस्टेंस का चेंज, तो क्या कहते हैं हमारे पास, उसको हम क्या कहते हैं, तो उसका मतलब क्या है कि अगर हम बात कर रहे हैं वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी क्या होती है, चेंज इन पोजिशन, चेंज इन पोजिशन, यह कह सकते हैं कि चेंज ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो ओरिजिन से वो कहां पहुंच जाता है, कि मानो पहले, मानो अगर कोई ऑब्जेक्ट यहां पर था
और 2 सेकंड बाद वो कहां हो गया, इसके थ्रू कहां पहुंच गया, यहां पे। तो ये क्या डिपेंड करेगा, इसके वेलोसिटी को। तो मींस अगर वो चेंज हम देखते हैं किसके बिहाफ पर, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बिहाफ पर, तो उसको हम क्या बोलते थे, रेट। ठीक है नहीं, तो वो क्या होता है, रेट ऑफ द चेंज ऑफ द डिस्टेंस और रेट ऑफ द चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो दैट्स आर द स्पीड एंड वेलोसिटी, स्पीड एंड वेलोसिटी। तो अब हम कह रहे हैं कि केमिस्ट्री के बिहाव पर रेट क्या हो सकता है। तो मींस जब भी हम कोई केमिकल रिएक्शन कराते हैं तो जिस भी रिएक्टेंट को हम लेके चलते हैं, जिस भी सब्सटेंस को हम लेके चलते हैं जो हमारा अपना होता है, उसको रिएक्टेंट बोलते हैं। और कुछ कंडीशंस होती हैं जो एरो के बाद होती है, और उसके बाद हमारा क्या होता है, न्यू सब्सटेंस बनता है, उसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं। तो प्रोडक्ट हम कभी लेके नहीं चलते हैं, हमेशा लेके चलते हैं रिएक्टेंट। तो चेंज कहां पे आएगा, रिएक्टेंट में। अब क्या चेंज आएगा, अगर मानो आपने जो है कोई गैस ले रखी है, हाइड्रोक्सीन गैस ले रखी है, और दोनों को जो है क्या करा, इस तरह मिलाया, तो दोनों क्या हो जाएंगी, खत्म होती जाती है, और क्या बनता जाएगा, वाटर। क्या बनता जाएगा, वाटर। तो अगर हम कह रहे हैं कि गैस में क्या चेंज आएगा, तो जो उनके अपने गैस थे, तो गैस की प्रॉपर्टी क्या होती है, उनके पार्शियल प्रेशर्स वो क्या होते हैं, घटते जाएंगे, कम होते जाते हैं, और क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट के क्या होते जाते हैं, पार्शियल प्रेशर बनते रहते हैं। तो सेम हम कह सकते हैं कि हमारे पास अगर कोई भी रिएक्शन हो रही है, किसमें, लिक्विड फॉर्म में, या हमारे पास सोल्यूशन फॉर्म में कराते हैं, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि जो उसकी कंसंट्रेशन है, क्या है उसकी कंसंट्रेशन, मीन्स मोलारिटी, क्या बात करेंगे, मोलारिटी। तो मोलारिटी क्या होती है, गिवन मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। तो उसमें चेंज आता है, तो उसको हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह बड़े ब्रैकेट में, और यहाँ पे क्या लिखा होता है, सी, दैट मीन्स कंसंट्रेशन। तो इसका मतलब क्या है कि कंसंट्रेशन में चेंज आता है। और दूसरा, प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा, तो जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है वो स्टार्टिंग में क्या होती है, जीरो होती है, और कुछ टाइम बाद क्या हो जाएगा, जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब यदि हम इसी बात को जो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें, तो ग्राफ कुछ इस तरह का आता है। अगर हम बात करेंगे रिएक्टेंट की, तो जो हमारा कंसंट्रेशन है उसमें क्या चेंज आता है, तो अगर हम उसको ग्राफिकली शो कर रहे हैं, तो जो हमारे पास स्टार्टिंग में है, तो ये क्या आपके पास कंसंट्रेशन है, मीन्स मोल्स पर लीटर में, और ये क्या है, टाइम, और ये किसमें है, सेकंड में। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि हमारे पास टाइम जीरो होता है, तो जो सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन है उसको हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे, आर नॉट। तो आर नॉट क्या है, मैक्सिमम कंसंट्रेशन, जब रिएक्शन प्रोसीड नहीं होती है। ठीक है ना, उसके बाद क्या है कि जो रिएक्शन क्या स्टार्ट होती है, तो हम कह रहे हैं कि टी वन टाइम पर जो हमारे पास रिएक्शन का जो कंसंट्रेशन है वो कहाँ हो जाएगी, आर वन, और कुछ टाइम बाद टाइम बढ़ता जाएगा तो ये क्या हो जाती है, आर टू। क्या हो जाती है, आर टू। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारे पास आर टू, और हम करते हैं कि आर टू माइनस आर वन, आर टू माइनस आर वन, तो आर टू क्या हमारे पास कम है, और आर वन क्या है, ज्यादा है। तो उसका मतलब दोनों का चेंज, जब भी हम किसी का चेंज निकालते हैं, डेल्टा निकालते तो क्या करते हैं, हायर माइनस लोअर, ऐसे हम कह रहे हैं कि हम डेल्टा किसका निकालेंगे, ऑफ द कंसंट्रेशन, और किसका निकाल रहे हैं, रिएक्टेंट का। तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास, आर टू की कंसंट्रेशन माइनस आर वन की कंसंट्रेशन, और दोनों का जो डिफरेंस है वो कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। कैसा आएगा, नेगेटिव, क्योंकि आपको बताया कि टाइम जो है कुछ टाइम बाद या कुछ टाइम पहले, जब भी आप टाइम आगे प्रोसीड करेंगे तो टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, तो टाइम क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो जब भी हम किसी का रेट निकालेंगे, तो रेट क्या होता है, रेट क्या हो जाएगा, चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, अपॉन टाइम। ठीक है, तो जब हम बात करेंगे रिएक्टेंट की, तो रिएक्टेंट क्या हो रहा है, घट रहा है, तो क्या बोल देंगे उसको, द रेट ऑफ द, रेट ऑफ द डिसअपियरेंस, डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा आर, डेल्टा ऑफ द आर अपॉन क्या हो जाएगा, डेल्टा टी, अपॉन क्या हो जाएगा, डेल्टा टी। ठीक है, अब हमने क्या देखा था कि टर्म्स कैसा आएगा, नेगेटिव। अब क्योंकि हम क्या कह रहे हैं कि इसको हम क्या कह रहे हैं, डिसअपीयरेंस, हम पहले से क्या मानने हैं कि ये क्या है आपके पास, घटरा होता है, तो उसका मतलब क्या है कि हम नेगेटिव ऑलरेडी लेके चलते हैं। तो इसका मतलब जब भी आप यूज करेंगे नेगेटिव, आप यूज करेंगे, अब जो अंदर हमारा नेगेटिव आएगा उससे टर्म्स क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, जिससे हम जो है क्या निकाल पाएंगे, उसकी स्पीड या रेट ऑफ द डिसअपीयरेंस ऑफ द रिएक्टेंट। ठीक है,
तो ये क्या डिपेंड कर रहा है हमारे पास, रेट ऑफ द डिसअपीयरेंस ऑफ द रिएक्टेंट, ठीक है ना। अगर हम बात करेंगे किसकी, प्रोडक्ट फॉर्मेशन की, तो उसका जो ग्राफ है वो कैसा होगा आपके पास, थोड़ा सा इनवर्ट। तो अब देखिए हम देखते हैं कि रेट ऑफ द प्रोडक्ट क्या हो सकता है, तो रेट ऑफ द प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, हम कह रहे हैं कि जो आरपी बोल रहे हैं इसको, रेट ऑफ द प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, तो इसको हम बोल सकते हैं कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट, तो क्या बोलेंगे, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। अब देखो अगर हम ग्राफ से देखते हैं तो जब रिएक्शन प्रोसीड नहीं करती है, टाइम जीरो होता है, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होती है, जीरो, और टी वन टाइम पे प्रोडक्ट क्या है, बढ़ रहा है, फिर टी टू पे क्या है, प्रोडक्ट क्या है, बढ़ता हुआ जाता है। तो उसका मतलब क्या है कि जो इसका रेट है उसमें क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है, क्या आ रहा है, चेंज। जब आरपी निकालेंगे तो पहले आप क्या निकालेंगे, डेल्टा पी, डेल्टा पी क्या हो जाएगा, पी टू की कंसंट्रेशन माइनस पी वन की कंसंट्रेशन, और ये टर्म्स कैसा आएगा, पॉजिटिव, क्योंकि पी टू क्या है ज्यादा, पी वन क्या है कम है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, रेट ऑफ द अपीयरेंस, तो वहां पे क्या था, डिसअपीयरेंस, और यहां पे क्या, रेट ऑफ द अपीयरेंस, या कह सकते हैं रेट ऑफ द फॉर्मेशन, अपीयरेंस और कह सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, ऑफ प्रोडक्ट, तो क्या बोल देंगे उसको, आर पी, तो कितना हो जाएगा, पी टू की कंसंट्रेशन माइनस पी वन की कंसंट्रेशन अपॉन क्या हो जाएगा, टी टू माइनस टी वन, या बोल देंगे इसको डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। तो ये क्या डिपेंड करेगा हमारे पास, किसी के प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के रेट को। अब देखो वहां पे क्या आता है, नेगेटिव, और यहां पे कैसा आ रहा है, पॉजिटिव, तो क्या डिपेंड कर रहा है, किसी भी किसी के रेट को। अब देखो हम इसको किसी एग्जाम्पल के बिहाफ पे एक्सप्रेस करते हैं। अब देखिए हमारे पास कुछ जनरल एग्जाम्पल है कि ए प्लस बी से क्या बनना है, सी प्लस डी। अब हमें निकालना है कि रेट ऑफ द रिएक्शन, तो देखो आपको पता है कि जब हमारे पास ए और बी क्या होंगे, खत्म होंगे, तो क्या बनेंगे, सी बनेंगे। तो जितने रेट से हमारे पास प्रोडक्ट खत्म होता है, उसी रेट से क्या होता है, हमारे पास प्रोडक्ट बनता है, ठीक है ना। तो उसका मतलब क्या है कि द रेट ऑफ द डिसअपीयरेंस, डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट बराबर क्या हो जाएगा, रेट ऑफ द फॉर्मेशन या अपीयरेंस, अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट का बनना, प्रोडक्ट का बनना, और जो हमारे पास रिएक्टेंट का जो घट रहे हैं वो क्या होता है, बराबर होता है। यदि हम एग्जाम्पल के बिहाव पे कह सकते हैं कि हमारे पास रेट ऑफ द रिएक्शन, तो जनरल जो रेट ऑफ द रिएक्शन होगा वो सबका क्या होता है, सेम। तो रेट ऑफ द रिएक्शन, या इसको हम बोल रहे हैं आर, तो आर क्या हो जाएगा, डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी। अब हमें पता है कि ये रिएक्टेंट है, तो ये कैसा आएगा, नेगेटिव, ये कैसा आएगा, नेगेटिव, और बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा ऑफ द बी, और ये क्या हो जाएगा, डेल्टा टी। तो उसका मतलब क्या है कि जिस रेट से ए घटेगा उसी रेट से क्या होगा, बी घटेगा, और बराबर में क्या हो जाएगा, डेल्टा सी की कंसंट्रेशन अपॉन डेल्टा टी, और ये क्या आएगा, पॉजिटिव, और इक्वल में क्या आएगा, डेल्टा डी की कंसंट्रेशन अपॉन डेल्टा टी, और ये भी कैसा आएगा, पॉजिटिव। तो उसका मतलब क्या है कि अगर आपको कोई सा भी पार्ट दे रखा है तो उसके बिहाफ पे हम क्या निकाल सकते हैं, रेट ऑफ द रिएक्शन। अगर आपको सी का दे रखा है तो सी से हमारे पास क्या आ जाएगा, रेट ऑफ द रिएक्शन, ठीक है नहीं। अगर आपसे पूछता है कि हमारे सी के बिहाफ पर आप ए का निकालिए, तो सी और ए को आप इक्वल कर सकते हैं, सी और ए को आप कह सकते हैं इक्वल कर सकते हैं, ठीक है नहीं। अगर हमारे पास यहां पर कुछ, ये तो हमारे पास जो यहाँ पे स्ट्रोचोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स है वो हमने क्या ले रखे हैं, वन ले रखे हैं। अब यदि मानो इससे अलग होते तो क्या हो सकता है। अब देखिए हमारे पास कुछ जनरल एग्जांपल है, अमोनिया फॉर्मेशन बाय हेवर प्रोसेस, तो एन टू हम इसको लिक्विड फॉर्म में ले रहे हैं, गैस फॉर्म बनता है, बट अगर अभी याद रखना है हम इसको लिक्विड फॉर्म में लेंगे तब यूज करेंगे कंसंट्रेशन, यदि हम इसको गैस फॉर्म में करेंगे तो हम करते हैं इसको पार्शियल प्रेशर, आपको याद होगा केपी एंड केसी, तो दोनों का डिफरेंस होता है। अब यदि हमारे पास तरह के, तो यहाँ पर जो स्ट्रोचोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स है वो क्या है, थोड़े से अलग अलग है, वो क्या है, अलग अलग है। तो जब आप इसका रेट एक्सप्रेशन निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, रेट ऑफ द रिएक्शन, सिर्फ इसको आर लिखेंगे, इक्वल में क्या हो जाएगा, डेल्टा ऑफ एन टू का चिन्ह अपॉन डेल्टा टी, ठीक है ना। अब देखो जो इसके स्ट्रोचोमेट्रिक कोएफिशिएंट दैट आर इन्वर्टेड, तो इसको क्या लिखेंगे, वन अपॉन वन, क्योंकि यहाँ पे क्या वन है, और किसके साथ आएगा ये, माइनस के साथ, किसके साथ आएगा, माइनस साथ,
और यही किसके बराबर हो जाएगा, यही हो जाएगा आपके पास डेल्टा ऑफ द एस टू की कंसंट्रेशन अपॉन डेल्टा टी। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, 1/3 और यहाँ पे क्या आएगा माइनस, जो आपकी कोएफिशिएंट्स है दैट्स आर इन्वर्टेड, मतलब उसी रेट के हिसाब से क्या होते हैं, घट रहे होते हैं। अगर ये पूरा घटेगा तो ये होता है 1/3, ठीक है, जब ये पूरा खत्म हो जाएगा तो इसका 1/3, या मतलब इसको खत्म होने के लिए इसको 3 गुना खत्म होना पड़ता है। अब बराबर में क्या हो जाएगा, हम कह रहे हैं कि अमोनिया ही बनेगी, तो अमोनिया भी साथ साथ बनेगी साइमल्टेनियसली, ऐसा तो है नहीं कि अमोनिया बाद में बनेगी, तो इसका भी हम क्या निकालेंगे डेल्टा, तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव, ये कैसा आएगा पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या आएगा 1, तो ये भी क्या आएगा रेट ऑफ द रिएक्शन 1, 2 और इसको हम 3 बोलते हैं, और R1 = R2 और इक्वल टू क्या हो जाएगा R3, और क्या मानेंगे इसको रेट ऑफ द रिएक्शन, रेट ऑफ द रिएक्शन। तो इस तरह हम क्या निकाल सकते हैं कि किसी भी रिएक्शन का रेट ऑफ द रिएक्शन, ठीक है ना। अब इसको देखो हम न्यूमेरिकल फॉर्म में एग्जांपल लेते हैं। अब देखिए हमारे पास एनसीईआरटी एग्जांपल्स है, तो यहाँ पे दे रखा है कि रिएक्शन दे रखी है N2O5 कन्वर्टिंग इनटू NO2+O2 बाय द रिएक्शन, आपको बैलेंस दे रखी है। अब हमें दे रखा है कि स्टार्टिंग में जो N2O5 था वो कितना था 2.33 मोल्स पर लीटर इस मोलार में था, और 184 मिनट बाद आफ्टर 184 मिनट्स इट बिकम्स या इट रेस्ट कितना रह जाता है 2.08 मोल्स पर लीटर, इसको हम देखा है घट जाता है। अब हमें निकालना रेट ऑफ द रिएक्शन एंड रेट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ NO2। अब देखो हमें दे रखा है N2O5 और पूछा किसका है हमारे पास में NO2 का, तो पहला काम क्या होता है इसको एक्सप्रेस कैसे करेंगे, तो क्या करेंगे इसका रेट जो आएगा वो क्या आएगा डेल्टा N2O5 अपॉन, और यहां पे क्या हो जाएगा 1/2 और विद माइनस, यहां पे क्या आएगा ये माइनस में, और नीचे क्या आएगा डेल्टा टी, क्या आएगा डेल्टा टी, इसका मतलब क्या है कि जो N2O5 का डेल्टा निकालेंगे, तो डेल्टा N2O5 आप कैसे निकालेंगे, तो N2O5 है T2 और N2O5 है T1, तो दोनों का जो चेंज है वो कितना था, तो सिंपल हम कह सकते हैं कि हमारे पास T टाइम बाद कितना था 2.08 और पहले कितना था 2.33, ठीक है। तो ये क्या डिपेंड करेगा इसके डेल्टा को, अब हमें पता है कि नेगेटिव आएगा कोई बात नहीं, और डेल्टा टी हमें क्या है गिवन है कि T1 कितना था हमारे पास 0 था और T2 कितना है 184, तो क्या हो जाएगा 184 माइनस 0, तो डेल्टा टी कैसा आ रहा है पॉजिटिव, तो यहां से हम क्या निकालेंगे रेट, तो क्या हो जाएगा माइनस और अंदर क्या लेंगे आप 2.08 माइनस 2.33 अपॉन क्या आएगा 184। अब यदि आप निकाल रहे हैं इसको मिनट में ही, तो मोल्स पर लीटर पर मिनट, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं इसकी यूनिट की, देखो यूनिट क्या हो जाएगी किसी भी रेट का, तो अगर बात करेंगे तो क्या होता है ऊपर क्या है आपके पास रेट चेंज इन द कंसंट्रेशन मीन्स डेल्टा ऑफ द आर मान सकते हैं कोई भी रिएक्टेंट हो अपॉन डेल्टा टी। अब जब भी आप चेंज निकालेंगे तो वो किस में आएगा मोल्स पर लीटर, तो यूनिट क्या हो जाएगी इसकी मोल्स पर लीटर, ऊपर क्या आएगा मोल्स पर लीटर और नीचे क्या आएगा सेकेंड या टाइम, टाइम के अंदर क्या है कि आवर भी हो सकता है मिनट हो सकता है, जैसे इसके यहां पर क्या है मोल्स पर लीटर पर मिनट। अगर आपसे पूछता है कि मोल्स पर लीटर पर सेकेंड निकालेंगे तो कन्वर्ट कर लेंगे इसको सेकेंड में, अगर आपसे कहता है कि पर आवर में निकालिए तो कन्वर्ट करेंगे इसको पर मिनट में, बाकी नॉर्मली क्या होती है इसकी पर सेकेंड लेते हैं, पर इसको उस समय हम क्या लेंगे इसको पर मिनट में, फिर बाद में इसको हम चेंज कर सकते हैं किसके लिए पर मिनट के लिए, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो इसका आंसर आएगा वो हम किस में निकाल रहे हैं मिनट में, तो क्या हो जाएगा 6.79 × 10⁻⁴, तो क्या बन जाएगा मोल पर लीटर और पर क्या हो जाएगा ये मिनट पर मिनट, तो ये क्या आ जाएगा रेट ऑफ द रिएक्शन, ठीक है ना। तो N2O5 की हेल्प से हमने क्या निकाल लिया रेट ऑफ द रिएक्शन, ठीक है ना। अब अगर आपसे पूछा है सेकंड पार्ट में क्या पूछा रेट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ N2O5, तो उसको कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए थोड़ा इसको हम रब करते हैं, और जो हमारे पास वैल्यू है उसको थोड़ा सा हम नहीं रब कर रहे हैं, और आप देखो इसको एक्सप्रेस करेंगे, जब एक्सप्रेस करेंगे तो जगह यहाँ पे आर कितना आएगा, तो आर क्या आएगा डेल्टा N2O5 और अपॉन क्या आएगा डेल्टा टी, यहाँ पे क्या आएगा 1/2 माइनस और इक्वल में क्या आ जाएगा डेल्टा NO2 अपॉन
डेंटिटी और यहां पे क्या आएगा वन अपॉन फोर, वन अपॉन फोर। अब इस पूरे टर्म्स को हम क्या है निकाल चुके हैं, तो इसको हम क्या मान लेंगे आर, तो क्या मान लेंगे रेट ऑफ द रिएक्शन, लेट आर ई हो गया। तो आर ई किसके बराबर है वन अपॉन फोर डेल्टा एन ओ टू अपॉन डेल्टा टी। और देखो जिससे कोफिशियंट इसके साथ इसी में एडजस्ट है, तो ऐसा नहीं कि आप इसको दोबारा यूज करेंगे। अब देखो हमें क्या करना है कि हमें क्या निकालना है डेल्टा ऑफ द एन ओ टू अपॉन डेल्टा टी, मीन्स हमें ये टर्म्स निकालना है, तो उसका मतलब फोर एक्स्ट्रा है, तो क्या हो जाएगा फोर टाइम्स ऑफ द रेट ऑफ द रिएक्शन। तो जो हमने ये वाला टर्म्स निकाला तो उसका हो जाएगा उसका फोर टाइम्स, तो ये वाली कितनी आएगी फोर इंटू 6.79 10 की पावर माइनस के 4, माइनस के 4। और ये भी किसमें आएगा मोल्स पर लीटर पर मिनट में, तो मोल पर लीटर पर मिनट में आएगा। तो ये क्या आ जाएगा रेट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द NO2, ठीक है ना। और पहले हमने क्या निकाला था रेट ऑफ द डिसअपीयरेंस ऑफ द N2O5। तो आप समझ गए देखो, अगर हमें रेट ऑफ द रिएक्शन निकालना होता है तो सिंपल जो भी डेटा आपको दे रखा है उसके बिहाफ पर निकाल सकते हैं। अगर सेकंड वाले पार्ट का मान ओ टू का पूछता तो यहाँ पे क्या आता वन अपॉन वन ही आता, तो जितना ये होगा पूरे क्या हो जाएगा अगर आप फिर वहां पे क्या आएगा इस कंडीशन में रेट ऑफ द ई, तो आपको फोर नहीं आएगा। और ये अगर आपसे पूछता है N2O5 का तो फोर आता है, ठीक है। तो सिंपल है, इस वीडियो में हमने क्या करा है इंट्रोडक्शन ऑफ केमिकल काइनेटिक्स और रेट ऑफ द रिएक्शंस, और हमें क्या निकाले स्पीड ऑफ द रेट ऑफ द रिएक्शंस, ठीक है ना। आई होप सो वीडियो आपको अच्छा लगा हो, लाइक एंड शेयर करें और घर पे रहें और बी हेल्दी।